रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को हाईकोर्ट से बेल मिल गई है। ममता देवी को हाईकोर्ट से गोला गोली कांड में जमानत मिली है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी नीरज। तो नीरज, ममता देवी को आज जमानत मिली, उस पर क्या जानकारी है? देखिए, इससे पहले एक मामला था जिसमें उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। दूसरा मामला था रामगढ़ का, जहां पर उन्हें 5 साल की सजा दी गई थी, उसे लेकर जमानत याचिका फाइल की गई थी, जिसको लेकर आज सुनवाई हुई और नवनीत कुमार की अदालत ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी है। और जमानत मिलने के बाद जो है हमें जानकारी मिली है कि उनके घर में मतलब खुशी मनाया जा रहा है। उनके जो पीए यहाँ पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने होली दीपावली इस वजह से नहीं मनाई और उनका इंतजार किया जा रहा था कि जब वो जेल से बाहर निकलेंगे तब वो खुशी मनाएंगे। तो ये कह सकते हैं उनके जेल से बाहर निकलने के बाद जो है उनके जो परिवार वाले हैं, उनके जो करीबी हैं, वो खुशी मना रहे हैं। तो पूरा मामला बता तो ये पूरा मामला जो है 2016 का है, जब डीएलएफ फैक्ट्री को विस्थापित जो वहां घेराव करने के लिए पहुंचे हुए थे, उसी दौरान ये एक प्रकरण हुआ था जिसमें जो सैकड़ों की आबादी में जो लोग वहां पहुंचे हुए थे वो उग्र हो गए थे। और उसी दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में, जब आत्मरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई थी, तो उसी में बहुत से लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों लोग घायल हो गए थे। उसी में मामला दर्ज किया गया था, जिसको लेकर जो है रामगढ़ कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी। जी जी नीरज, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह खाने में कूदे और फुल्ट उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि उठा लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को हाईकोर्ट से बेल मिल गई है। ममता देवी को हाईकोर्ट से गोला गोली कांड में जमानत मिली है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी नीरज। तो नीरज, ममता देवी को आज जमानत मिली, उस पर क्या जानकारी है? देखिए, इससे पहले एक मामला था जिसमें उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। दूसरा मामला था रामगढ़ का, जहां पर उन्हें 5 साल की सजा दी गई थी, उसे लेकर जमानत याचिका फाइल की गई थी, जिसको लेकर आज सुनवाई हुई और नवनीत कुमार की अदालत ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी है। और जमानत मिलने के बाद जो है हमें जानकारी मिली है कि उनके घर में मतलब खुशी मनाया जा रहा है। उनके जो पीए यहाँ पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने होली दीपावली इस वजह से नहीं मनाई और उनका इंतजार किया जा रहा था कि जब वो जेल से बाहर निकलेंगे तब वो खुशी मनाएंगे। तो ये कह सकते हैं उनके जेल से बाहर निकलने के बाद जो है उनके जो परिवार वाले हैं, उनके जो करीबी हैं, वो खुशी मना रहे हैं। तो पूरा मामला बता तो ये पूरा मामला जो है 2016 का है, जब डीएलएफ फैक्ट्री को विस्थापित जो वहां घेराव करने के लिए पहुंचे हुए थे, उसी दौरान ये एक प्रकरण हुआ था जिसमें जो सैकड़ों की आबादी में जो लोग वहां पहुंचे हुए थे वो उग्र हो गए थे। और उसी दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में, जब आत्मरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई थी, तो उसी में बहुत से लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों लोग घायल हो गए थे। उसी में मामला दर्ज किया गया था, जिसको लेकर जो है रामगढ़ कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी। जी जी नीरज, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।